नमस्कार, आप सभी का सीमा सुखाओ सीखो कुछ नया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से लगातार मीठा खाने के बाद आज हम कुछ नमकीन कुछ स्पाइसी सा बना लें, तो इसलिए हम आज बनाते हैं रवा इडली, साथ में चटपटी तीखी सी सांभर और साथ में मूंगफली और नारियल की चटनी। तो देर न करते हैं स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। रवा इडली बनाने के लिए हमने एक पैकेट सूजी लिया है, ये हाफ के जी का पैकेट है। तो हाफ के जी का पैकेट से अंदाज 40 के अराउंड जो है इडली बन जाती है आराम से। और इसमें हम जैसे मान लीजिए अगर कप से क्वांटिटी आप लेते हैं, अगर हम 2 कप अगर हमारे पास सूजी है तो 1 कप पूरा जो है उसमें हम दही डाल देंगे। दही थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दही ज़्यादा या कम होने से। दही डाल के इसे अच्छे से हम मिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने और नमक वगैरह हम बाद में लाएंगे। और इसे जो है अब ढक करके कम से कम 20 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम चटनी बना लेते हैं। फिर उसके बाद इसको और घोल को पतला करेंगे। नारियल और मूंगफली चटनी बनाने के लिए हमने मूंगफली को भून लिया है और इसके छिलके निकाल लिए हैं। हमने इसे बिना ऑयल के इसे फ्राई किया हुआ, दैट मीन्स उसे हमने रोस्ट किया हुआ कढ़ाई में और छिलके इसके निकाल लिए हैं। 1 कप जो है मूंगफली है, इतनी मात्रा में हमने कच्चा नारियल जो फ्रेश नारियल होता है उसे कद्दूकस कर लिया है, डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे नमक और इसमें हम डालेंगे 3 जो है हरी मिर्ची और इसे थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम पीस लेते हैं। चटनी हमारी पीस गई है, चटनी में तड़का लगा देते हैं। चटनी तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल हमने गर्म किया, गर्म हो जाए जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें 1 चम्मच राई या सरसों जो ब्लैक सरसों होती है और साथ डालेंगे 2-3 लाल मिर्च। करी पत्ता अगर आपके पास हो तो करी पत्ता का भी इसमें डाल दीजिए, करी पत्ता फिर से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो नहीं है तब भी आप सिर्फ लाल मिर्च और सरसों से पता लगा दीजिए, अच्छी तरह से कटक जाए तो हम डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारी मूंगफली और नारियल की चटनी तैयार है। हम वापस अपनी सूजी की घोल को देख लेते हैं। 15 मिनट हो गए, सूजी की घोल को तैयार कर लेते हैं। सूजी काफी अब गाढ़ा हो चुका है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा और ऊपर से पानी डाल देंगे। ये अभी एकदम बटर ठीक है इसमें और इसमें हम पहले तड़का लगाएंगे। तड़का बनाने के लिए तड़का पैन में मस्टर्ड ऑयल लिए, साथ ही हम इसमें थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा इसमें काजू डालेंगे, डालेंगे चने की दाल काली सरसों डाल देंगे पूरी तरह से और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा
ताकि हमारी इडली एकदम फुली फुली सी बनेगी। और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सब्जी डाल देंगे, तो हमने हाफ शिमला मिर्च काट लिया, एक प्याज और हाफ जो टमाटर कट किए इसे भी इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने इडली के पेस्ट को तैयार कर लेते हैं। सभी में हल्का हल्का जो है ऑयल लगा देंगे, पहले और इसमें सोया सॉल्यूशन को अच्छे से फिल कर देंगे। यानी कि हमने पहले पानी बॉईल कर लिए, जब पानी बॉईल हो जाए तो हम इस टाइम को इसके अंदर डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट लगेगा और फ्लेम को भी तेजी रखेंगे और 12 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे। अब हम सांभर बना लेते हैं। सांभर बनाने के लिए कढ़ाई गर्म कर लें और उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम थोड़ा सा चनिया उड़द की दाल डाल डाल देंगे, लाल मिर्च तड़का लगा देंगे और साथ ही डाल देंगे हम इसमें 2 चम्मच काली वाली सरसों। और यहाँ पे कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता जरूर डाल देंगे। साथ ही से मन चाहे सब्जियाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं गोभी, बैगन और प्याज यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी और अलावा सब्जी हो, कद्दू डाल सकते हैं इसमें, सहजन डाल सकते हैं इसमें। नमक मैं दाल में डले हुए हैं तो नमक यहाँ पे जो है हल्का सा हम दाल में सब्जी के अंतर से दाल में नमक थोड़ा सा दाल में बना के मसाला पाउडर और मिर्च पाउडर जो है थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे। इसके साथ ही हमने अरहर की दाल, तुअर की दाल भी कहते हैं, दाल हमने सब नमक और हल्दी डालकर रखे, तो 3 चीज़ डाल करके बना कर रखा हुआ है और इसी से हम सांभर बनाएंगे। हाँ, सब्जी इसे भून गए हैं और इसमें हम भगा देंगे, इसमें डाल देंगे मिर्च पाउडर। सांभर सब तीखा ही अच्छा लगता है और साथ में हम डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर। धनिया के पाउडर में ही जो है यहाँ पे तेज पत्ता भी पिसा हुआ है, इस वजह से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा सा आएगा। आपके पास अगर सांभर पाउडर है तो आप ऐड जो है सांभर पाउडर ही डाल दीजिए। साथ में हम डालेंगे इमली, तो इमली को हमने पानी में भिगो कर रख लिया था। दाल पकनी दाल है, इसी के अंदर हम दाल को डाल देंगे।
बाल और आने दें, तो बाल अच्छे से आ जाएगा, बस हमारे ध्यान रखिए तैयार हो जाएगा। इडली बनके तैयार हो गए, सुबह चेक भी कर लें, अच्छी तरह तैयार हो गए हमारी इडली। हम गैस को ऑफ कर देते हैं, साथ में हमारे सांभर भी अच्छे से तैयार हो चुका है, तो हम गर्म गर्म इडली सांभर और चटनी को सर्व करते हैं। इडली नारियल की चटनी और सांभर तैयार है, बस देर है तो गर्म गर्म खाने की, तो बस आप भी बनाइए। रवा इडली बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी इडली कैसी बनी थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब व कमेंट्स करें और बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।